أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزيه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. محترم نادرين وسامين असलमकुम वरह वाकूक़ फ़राज इस सीरीज़ में आप तमाम का इस्तकबाल हैं वह चल रही थी औरतों के बुनियादी हुकूक के सिलसिले में औरतों के हुकूक के सिलसिले में एक हक़ जिसके बारे में आज काफ़ी ज़ोर शोर से जो है मग़रबी अवाम आज़ादी नस्वाँ के नाम से लगाते हैं और औरत को जो है जो बुनियादी हक फितरी तौर से शर्ी तौर से जो इस्लाम ने दिया है उससे बढ़ कर ये नारा लगाया जाता है कि औरतों को बाहर आना चाहिए मर्दों के शाना बशाना होकर काम करें और इमामत व क़ियादत का जो अहम मसला है इस सिलसिले में आज के इस दर्स में जो है कुछ अहम बातें मैं आपके सामने रखूँगा कि इमामत व क़ियादत का हक़ हाँ क्या इस्लाम ने औरत को दिया है क्या औरत को यह हक़ हाँ हासिल होना चाहिए क्या अगर यह हक़ हाँ ना दिया जाए तो क्या ये उस पर जुल्म है और क्या ये चीज़ इंसाफ के ख़िलाफ़ है ये चंद अहम बातें जो हैं आज के इस दर्स में इस पर जो है रोशनी डाली जाएगी देखिए रबल ने व समा ने औरत को जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने पैदा किया है और औरत को जो ताकत वत अल्लाह ताली ने वदियत की है उसको अता की हैं वो इस लायक नहीं है कि इमामत व्यादत के का जो है बार ग्रह को बर्दाश्त कर सकें चुनाच इस्लाम ने जो है इन फितरी कमज़ोरीों की बुनियाद पर इसका लिहाज करते हुए इस मैदान से जो है औरतों को अलग रखा है अलामा इबन हज़म रहमतल आलम अपनी मशहूर किताब अलमिलनहल में जो है फरमाते हैं जमी जमय अहलबिन आहदुन यूजीज़ु इमामत इमरतिन कह कहते हैं कि अहिल ख़बला के तमाम फ़िरकों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो औरत को जो है इमामत की इजाज़त देता हूँ इसको इमामत को जायज़ समझता हूँ किसी आलिम ने किसी बड़े इमाम ने जो है इस क़ियादत को जो है इस इमामत के मसले को जो है जायज़ करार नहीं दिया इसी तरह औरत में जो है इमामत कुबरा को संभालने की वह अहलीत नहीं है जो मर्द में इमामत कुबरा से मुराद अमीर बनना हाकिम बनना इसी हकीकत की तरफ जो है इशारा करते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सही बुखारी की रिवायत रवायत लईम वमरा इमरा कि वो कौम व जमात वो वो कंट्री और वो मुल्क कामयाब नहीं हो सकता जो जो है जो अपनी सल्तनत की बागडोर जो है औरत को के हवाले कर दें औरत को अमीर बनाएं हाकिम बनाएँ वो, वो कभी वो कभी वो घर वो जो है ख़ानदान माशरा वो सोसाइटी वो मुल्क कामयाब नहीं हो सकता जहाँ औरत को जो इजाज़त इमामत की इस्लाम ने नहीं दी है वो हक़ अगर औरत को कोई देता है उसके हवाले वो ज़िम्मेदारी करता है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते इसी तरह औरत को जो है इमामत क़ियादत के मैदान से अलग करने का जो मसला है बाज़ लोग ये कहते हैं मगरबी अवमाम जो है नारा बुलंद करते हैं आज कि औरत के साथ जो है बेइंसाफी और जुल्म है बल्कि अगर हम शरी नुक्ते नज़र से अगर देखें तो ये जुल्म और सितम नहीं है बल्कि आयन इंसाफ़ है आन जो है इंसाफ है इसलिए कि ने औरत पर जो है उतनी ही जिम्मेदारी डाली हैं उतना ही उसको ज़िम्मेदार बनाया है जितनी अदा करनी उसके अंदर जो है अहलियत मौजूद है और उसी काम से जो है उसी काम का उसे मुकल्लब बनाया है जिसे वो कमा हक हो जो है अदा कर सकती है इमामत व्यादत के अलावा जो है बहुत सारे दीगर मैदान हैं दीगर जो है समाजी और कुछ जो है सियासी ज़िम्मेदारियाँ हैं हकूक़ हैं जिसके बारे में जो है इस्लाम ने औरत को उसका हक़ दिया है बैत अखबासानिया को याद करें अल्लाह के नबी सल्लम ने वहाँ इस बात पर आहद किया था बैत ली थी कि मारूफ़ का हुक्म दें मुनकर से बुराइयों से रोकें अपनी औलाद की घर बार की जो है हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह के नबी सा ने इस बात का जो है इसकी तरफ इशारा किया कि औरत की ज़िम्मेदारी है घर की म्मेदारी हैंदद की मेदारी हैं शोहर की खिदमत हैं और शोहर के माँ बाप की और दीगर जो भी मतलक़ी होते हैं उनके हकूक़ हैं उसको अदा करना यह असल जो है उसकी म्मेदारी और करना फ़ीबूती कन्ना अल्लाह ने कहा कि अपने घरों को लाजिम पकड़ो अपने घरों को जो है लाजिम पकड़ो अल्ला है कि कोई मजबूरी हो शरी दायरे में रहकर औरत जो है कुछ जिम्मेदारियाँ अदा कर सकती हैं कुछ नौकरी हैं शरी दायरे में और पर्दे की पाबंदी के साथ कर सकती हैं लेकिन इसका मतलब ये आज नहीं हरगज़ के सोशल मीडिया पर आज जो है औरतें आएँ और जो हैं, हैं खुल्म खुला जो आज हो रहा है स्टेजों पर चढ़ना और तकरीरें करना जिसको मर्द भी देख रहे हैं औरतें तो औरतें और मर्द भी उसको जो है देख रहे हैं ये गलत चीज़ हैं इस तरह जो है सहाबियात ने ऐसा नहीं किया दावती काम करना अपने महदूद दायरे में करना है औरतों की मजलिस कायम हों जहाँ औरतें सिर्फ औरतें मौजूद होंगे रिकार्ड भी अगर कोई चीज़ की जाती हैं औरत की आवाज़ पर्दा है तो उसको जो है रिकॉर्ड भी करते हैं तो औरतों में उसको उसकी उनके औरतों के दायरे में जो है उसको महदूद रखा जाए मर्दों तक तो उसको नशर ना किया जाए और सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फेसबुक पर व्हाट्सअप पर ऐसे बिलाज जो है कूद और शरात के जो है फैलाया ना जाए ये आन जो है शरीय के खिलाफ है मुख्तर ये कि इस्लाम ने देखी दुनियावी और दीनी और इसी तरह इनफरादी व अज्तमाही तमाम मामलों में औरतों को जो है मर्दों के मसावी हकूक़ दिए हैं अल्लाह ताली ने शुर बकर में कहा वल्हन्ना मिसल लदी आल ना बिलूफ अल्लाह तहतों के भी वैसे ही हक़ हैं जैसे उन मर्दों पर उन मर्दों पर उनके जो हैं उन पर मर्दों के हैं अच्छाई के साथ भलाई के साथ इसी तरह सुर नसाह की जो आयत करीमा शुरू में मैंने पढ़ी हैं कुछ खसूसियात हैं जो अल्लाह ताला ने मर्दों को अता किए हैं इस बुनियाद पर कुछ मक़ाम और कुछ फजीलत जो है अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर अता की हैं सुर ही में अल्लाह ने कहा रिजा ना दजा अल्लाह ने कहा मर्दों को औरतों पर फ़जीलत ये क्यों फजीलत हैं सुर निसा में अल्लाह ताली ने इसकी वजाहत फ़रमाई और रिजाला कौाम अल्लाह तला ने कहा कि मर्द औरतों पर जो है हाकिम है कवाम है उसकी वजह क्या है अल्लाह ताली ने कहा कि अल्लाह ने एक दूसरे पर अल्लाह ने फजीलत दी है और दूसरी वजह अल्लाह ने बताई कि इस वजह से कि मर्द अपना माल जो है औरतों पर ख़र्च करते हैं ख़र्च की जिम्मेदारी मर्दों पर डाली गई वो अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके दिन भर जो है कमाता है और औरतों पर ख़र्च करता है अपनी मातहत औरतों पर ख़र्च करता है तो ये ज़िम्मेदारियाँ जो है ये हकूक़ इस्लाम ने दी हैं लेकिन इमामत और क़ियादत का जो मसला है ये जो है इंसाफ है जो इस्लाम ने किया है इस तरह अगर कोई ये कहे कि इस ये है तो ये बात बिल्कुल ग़लत है बेबुनियाद है और मगरबी अवाम जो हैं आज़ादी नस्वा का जो नाराबुलंद करते हैं उनका जो अक्सल मकसद देखा जाए वो तो बहुत सारे एतराज करते हैं बेबुनियाद एतराज हैं असल उनका मकसद जो है औरतों का आज़ादी दिलाना नहीं है बल्कि औरतों के करीब होना है नौज़बल्हमद और आज देख लें अमरीका यूरोप और पूरी दुनिया का मामला देख लें जहाँ भी औरतें निकल गई हैं नौकरी करती हैं और बाज़ार में निकलती हैं जहाँ जहाँ इस्लाम ने मना किया आज देख लें उनकी सूरत हाल क्या है उनकी इज़्ज़त आबरू पर हमले हैं और आगे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता मामला सबके आज सामने हैं खुलकर कर आज मामला है ये सोशल मीडिया ने जो है मामला बिल्कुल वाजहे कर दिया है कि औरतों की इज्जत और उनके नामोज़ को किस तरह जो है तार तार इन लोगों ने किया है तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं फितरत के खिलाफ बातें हैं इस्लाम ने जो हकूक़ बताए हैं जो जिम्मेदारियाँ दी हैं वह आइन फितरत के जो है मुआफ़ हैं और इसमें किसी किस्म का जुल्म बल्कि आइन जो है अदल इंसाफ है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस्लामी जो भी अहकाम हैं उसको समझने की और उनके मुताबिक अमल करने की अल्लाह तोफ़िकता फरमाएँ अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम बहनों की माओ की इज़्ज़त आवरों की अल्लाह हिफाजत फरमाएँ मगरबी नसवां के नारे लगाने वालों की अल्लाह ताला उनकी बातों को जो है बेबुनियादित फ़रमा दें और उनको सही समझ दें वरना अल्लाह ताली उनको नीस्व नाबुद फरमा दें अल्लाह ताली हम तमाम को कमाक़ जो है इस्लामी आदाब इस्लामी अहकाम को समझते हुए अदा करते हुए अमल करते हुए उसको दूसरों तक पहुँचाने की सही जो है अल्लाह इस नरमाए आमीन सुम्मा आमीन व मालीना इलामबी वालेकुम रही वर्का